हेलो टू ऑल, मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज के इस सेशन में, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एलजेब्रा के बारे में, और एलजेब्रा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग समझ चुके हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, सीधे डायरेक्ट जो एसएससी ने पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन एक सिस्टमेटिक वे में हम उन क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी एलजेब्रा के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप पिछले वीडियोस में जाकर उसे देख सकते हैं कि क्या क्या जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमें आने चाहिए। यानी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है एलजेब्रा के, और वहां से बहुत ही बड़े क्वेश्चन जो है हम लोग इजिली सॉल्व कर पाते हैं, और बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन और वराइटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं एलजेब्रा से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, और इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे मेनली। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से मैं चलूंगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम जो डिफरेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, उन सब क्वेश्चन को देखेंगे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल मैं बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू फाइव। अगर हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स फाइव के बराबर दिया हुआ है, तो भाई साहब हमसे क्या पूछा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि अगर x प्लस वन बाई एक्स आपको कभी भी x प्लस वन बाई एक्स अगर दे रखा है किसी नंबर k के बराबर, और हमसे पूछ लिया गया भी x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या है, तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा भाई, k का तो क्यूब कर देना, माइनस थ्री टाइम्स ऑफ k, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। ये बात ध्यान रखनी है। सिमिलर वे में अब जैसे दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास x माइनस वन बाई एक्स है, इफ x माइनस वन बाई एक्स अगर k के बराबर दे रखा है तो पूछा जाएगा x क्यूब माइनस वन बाई एक्स, और इस केस में ये क्या बन जाता है, k क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ k। ध्यान देने वाली बात क्या है कि कभी भी हम अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है x प्लस वन बाई एक्स अगर हमारे पास है, तो हमसे पूछा क्या जाएगा, हमसे पूछा जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, क्योंकि a प्लस बी से ही आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे पहुंच सकते हो, a माइनस बी से ही आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे पहुंच सकते हो। दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई a प्लस बी अगर दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही पूछा जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो उसका दूसरा तरीका है, वो भी बताएंगे आगे के किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तो वो चीज भी हम देखेंगे कि किस तरीके से a प्लस बी को a माइनस बी में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो फिलहाल जो क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई x प्लस वन बाई एक्स जो है वो 5 के बराबर है, और फाइंड क्या करना है हमें, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स। तो एक बार समझेंगे कि भाई x प्लस वन बाई एक्स अगर k है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, के का क्यूब कर देंगे और उसमें उसका थ्री टाइम्स उसका माइनस कर देंगे। यानी अगर मैं अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 5 है, तो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है भाई, 5 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5, और 5 का क्यूब कितना है भाई, 125 माइनस 15 यानी 110, ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है x माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है, देखिए जैसे ही x माइनस वन बाई एक्स दिया रहेगा यानी आपसे पूछा जाएगा x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। सो अगर x माइनस वन बाई एक्स 5 है और x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब पूछा जा रहा है, तो एक बात तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि भाई x माइनस वन बाई एक्स 5 हमसे हमें दिया हुआ है और एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब पूछा हुआ है, यानी क्या करेंगे भाई, 5 का क्यूब कर देंगे और उसका 3 टाइम्स उसमें ऐड कर देंगे। 5 का क्यूब अभी अभी हमने किया था 125 आ जाएगा, और 3 टाइम्स ऑफ 5 यानी 15, और 125 में मैं 15 ऐड कर देता हूँ, तो हमारे पास रिजल्ट कितने वाले 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 140 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, यानी जब कभी भी a प्लस बी दिया रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू भी पूछा जाएगा, और a माइनस बी दिया रहेगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा जाएगा। अगर पूछ ले उल्टा तो क्या होगा, वो भी हमें आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यही प्रयास करेंगे कि किस तरीके से और अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट सपोज भाई ये आ गया हमारे पास x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 3, और मैंने आपको बता दिया भाई जब कभी भी नेगेटिव अगर नंबर दिया हुआ है तो आप पहुंच सकते हैं, तो कहाँ पे पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब पर पहुंचेंगे, यानी आप यहां पहुंच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इससे आगे नहीं पहुंच पाएंगे आप। तो x माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है आप x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब पता कर सकते हो, लेकिन आप x की पावर 6 प्लस वन अपॉन x की पावर 6 पता करने का तो कोई प्रावधान अभी हमारे पास है ही नहीं कि भाई वहां तक भी हम लोग पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एक चीज दिमाग में आनी चाहिए,
क्या ये जो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 है, क्या ये x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब का स्क्वायर है कि नहीं है? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इस नंबर का स्क्वायर है, तो आपको एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि हम x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब पर पहुंचे, कि भाई सबसे पहले तो हम x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब पर पहुंचे। तो अगर x माइनस 1 बाई x हमें 3 दे रखा है और पहुंचना हमें कहाँ पे है, हम पहुंचना चाहते हैं एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पर, यानी सीधी सी बात है सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले एक्स प्लस वन बाई एक्स चाहिएगा, क्योंकि अगर मुझे प्लस के क्यूब में जाना है तो मुझे प्लस ही चाहिए। तो अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स 3 है तो सबसे पहला काम हमारा एक्स प्लस वन बाई एक्स फाइंड करना। और इसके लिए भी रूल बता रखा था आपको कि भाई अगर इफ एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर के है तो x प्लस वन बाई एक्स पर हम लोग पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ k का स्क्वायर प्लस 4, ये रूल है। और दूसरा और एक और चीज हमने सीखी है, इफ x प्लस वन बाई एक्स अगर k है तो हम लोग x माइनस वन बाई एक्स पर भी पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ k का स्क्वायर माइनस 4। यानी अगर x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है तो हम x माइनस वन बाई एक्स पर पहुंच सकते हैं, और अगर x माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है तो हम लोग x प्लस वन बाई एक्स पर पहुंच सकते हैं बड़े आसानी से, बड़े प्यार से। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई इस तरीके से जाया जाएगा। एक बात तो माइंड में तुरंत क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया होगा कि एक्स की पावर 6 आएगा तो आएगा कैसे, क्यूब का स्क्वायर करके ही आएगा, और कोई तरीका नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमें क्यूब तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, और क्यूब तक भी पहुंचेंगे तो किसके क्यूब तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस के क्यूब तक ही पहुंचना पड़ेगा। उससे पहले हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स चाहिए, और एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा भाई, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर कर दिया भाई, 9, 9 में प्लस 4 कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 13, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स मिल गया हमें, कि भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना है, रूट 13। और अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट 13 मिल गया तो साथ के साथ आप एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब भी फाइंड कर सकते हो, वो क्या होगा भाई, रूट 13 का क्यूब कर देंगे और इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस कर देंगे, यानी 3 टाइम्स ऑफ रूट 13। अब रूट 13 का जब क्यूब करोगे तो भाई रूट 13 इंटू रूट 13 तो 13 बन जाएगा, और एक रूट 13 हमारा अंदर ही रह जाएगा, -3 रूट 13, यानी हमें मिल गया कितना भाई, 10 रूट 13। ये हमारे पास आंसर आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, ये एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू। पूछा क्या गया है? पूछा गया आपसे रेज टू पावर 6, यानी क्यू स्क्वायर करना है, और स्क्वायर का रूल क्या है, यानी पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर तक पहुंचना है, यानी एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 पर पहुंचना है। तो क्या करेंगे भाई, क्या करना है, 10 रूट 13 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे। तो 10 रूट 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 100, 100 इंटू 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1300 आ जाएगा, 1300 माइनस 2 आ जाएगा, यानी 1298। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप चाहते हैं तो इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी कैसे सोल्व कर सकते हैं भाई, देखिए एक बात तो समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। शुरुआत में हमने एक बात समझ ली, क्या समझी वो एक बात हमने, कि ये बात समझ ली थी कि भाई अगर हम, हमारे पास ए माइनस वन बाई ए है के बराबर, तो हम कहां पहुंच सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर पर पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, के का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 कर देंगे। और अगर हमारे पास ए प्लस वन बाई ए है के है तो हम ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर पर पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, के का तो स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे। तो एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि चाहे वो नेगेटिव का नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव का नंबर हो, स्क्वायर पहुंचेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर ही मिलने वाला है, और हमें यहां भी स्क्वायर ही करना था। तो आप अगर चाहें तो हमें एक्स माइनस वन बाई एक्स 3 दिया हुआ है, चाहें तो आप यहां से एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकाल लो। एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब कैसे आएगा भाई, 3 का क्यूब कर देंगे प्लस 3 टाइम्स 3 का ऐड कर देंगे, 3 का क्यूब कर देंगे भाई 27 आ गया, और उसमें 3 इंटू 3 9 ऐड कर देंगे तो यानी कितना आ जाएगा भाई, 36 आ जाएगा, 27 3 और 6 36 हो गया भाई। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करूंगा तो भाई क्या आंसर आएगा भाई, इसका स्क्वायर करना है यानी मुझे चाहिए क्या, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 आएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अभी अभी ये बात समझी कि अगर हमारे पास ए माइनस वन बाई ए है तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर आएगा, यानी अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर करूंगा तो मुझे एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 मिलेगा, जो कि वो चाहिए था हमें। और वो कहता क्या है, 36 का तो स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी 36 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 1296।
और उसमें मुझे दो ऐड करना है, यानी रिजल्ट कितना आ गया भाई हमारे पास 1298, वापस से वही पहुंच गए जहां हमने पहले शुरू किया था। तो अगर ये वाली बात क्लियर है, चाहे हम ए माइनस वन बाई ए पर पहुंचे, चाहे हम ए प्लस वन बाई ए पे पहुंचे, फाइनल रिजल्ट हमेशा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर ही होता है। ये इसमें प्रॉब्लम है, फर्क है। और अगर हम क्यूब वाले नंबर की तरफ देखें, तो अगर हमारे पास एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्स को माइनस वन बाई एक्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग फाइंड होंगी। एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब फाइंड करना नहीं हो पाएगा, वो फाइंड तो कर सकते हैं लेकिन एक्स प्लस वन बाई एक्स ही चाहिए उसके लिए। लेकिन ए माइनस वन बाई ए हो या ए प्लस वन बाई ए हो, हमेशा रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर देता है, ये बात समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स फोर दे रखा है हमें, और पूछा क्या गया अभी, एक्स की पावर सिक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स फोर है और रिजल्ट में पूछ ले एक्स की पावर सिक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई अभी अभी तो हमने किया ही था, कैसे किया था कि भाई इसके क्यूब पर पहुंच जाएंगे और क्यूब का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन जब हम इसके क्यूब पर पहुंचेंगे तो हमें रिजल्ट में मिलने वाला है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलने वाला है एक्स की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर सिक्स, जो कि नहीं चाहिए, ये हमें अभी नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए क्या भाई, हमें चाहिए अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकाल लेता हूँ यहाँ से, भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है, सबसे पहला काम क्या होगा, हम एक्स माइनस वन बाई एक्स फाइंड करें, और उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब फाइंड करें। लेकिन जब मैं इसका फिर से स्क्वायर करता हूं तो मुझे रिजल्ट में फाइनली फिर क्या मिलने वाला है, एक्स प्लस वन बाई एक्स। फंस गए क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन आपको फंसावा नजर आने लग जाएगा कि भाई यहां समझ नहीं आ रही कहानी क्या हो रही है, क्योंकि क्यूब चाहे आप एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब ले लें, चाहे आप एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब ले लें, लेकिन रिजल्ट जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही देने वाला है। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, एक्स की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। यही बात जो मैं पिछले पॉइंट में आपको समझा रहा था कि चाहे आपके पास ए माइनस वन बाई ए हो, चाहे ए प्लस वन बाई ए हो, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर ही मिलने वाला है। इसमें ये कोई सहूलियत नहीं होती कि ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर रह जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, और ये क्वेश्चन, ये बात भी पहले भी डिस्कस कर ली जा चुकी है आप लोगों के साथ कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यानी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू ए है, भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स के है, और आपसे पूछ लिया जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बता दो क्या आएगा। तो आप कहेंगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर पे तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि एक्स प्लस वन बाई एक्स है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। माइनस का मतलब बनता है कौन सा आइडेंटिटी से भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बनाता है हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी जब कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछा जाए और एक्स प्लस वन बाई एक्स दे रखा हो, तो आपका दूसरा माइंड में क्या चलना चाहिए कि भाई एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर के है तो एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा भाई, के का स्क्वायर माइनस का पूर्ण। तो अब बात समझ में आनी चाहिए कि एक्स प्लस वन बाई एक्स को अगर मैं एक्स माइनस वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी के को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट के स्क्वायर माइनस फोर से, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनने वाला है भाई, रिजल्ट बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, के इंटू रूट में के स्क्वायर माइनस फोर, ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए। अब जब ये बात समझ में आ जाएगी तो हमारा क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा कि भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स है, चाहे आप एक्स क्यूब निकालें, चाहे आप एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालें, फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस आंसर आएगा, यानी हमें दोनों ही निकालनी पड़ेंगी, हमें एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब भी चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब भी चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो चलिए पहला काम तो यही है कि भाई हम एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब और इन सबको फाइंड करना सीख लें, पर किस तरीके से आएंगे, कैसे पूछेंगे हम यहाँ तक। तो देखिए अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स हमें गिवन है फोर, तो सीधी सी बात है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे पहुंचेंगे, फोर का क्यूब कर देंगे और माइनस थ्री टाइम्स इसका माइनस कर देंगे, चार का क्यूब यानी 64 आ जाएगा, 64 और माइनस 12, 64 में से 12 गए तो भाई बचेगा कितना, 52। सिमिलरली अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स फोर दे रखा है तो मैं एक्स माइनस वन बाई एक्स तक पहुंच सकता हूँ, कैसे पहुंचा जाएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ फोर का स्क्वायर, चार का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे चार, चार का स्क्वायर यानी 16, 16 में से चार गए तो कितना बचेगा भाई, 12। ये मिल गया तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब भी मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा भाई, रूट 12 का क्यूब कर देंगे
और इसी में इसका 3 टाइम्स ऐड कर देंगे। अब रूट 12 का क्यूब करने का मतलब क्या हुआ, 12√12 + 3√12, यानी रिजल्ट हमारे पास कितना हो गया, 12 और 3 15, 15√12, ये हमारा आंसर आ गया। तो 15√12 हमारे पास आंसर आ गया कि भाई 15√12 है, लेकिन फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे। फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल हमें चाहिए x की पावर 6। तो देखो कैसे आएगा, x³ + 1/x³ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं x³ - 1/x³ से, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या बनने वाला है, x⁻⁶ - 1/x⁶, क्योंकि फॉर्मूला लग गया भाई, a + b a - b क्या होता है, a² - b² और a² - b² यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा आंसर आएगा, और प्रोडक्ट क्या होगा भाई, 52 × 15। तो भाई ये हमारा आंसर आ गया, 15 × 60 = 6, 15 × 75 = 75 में 6 जोड़ दीजिए 810√12, ये हमारा आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है भाई। पिछहत्तर और 3 78 आ जाएगा भाई, 780 780, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आ गया, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इफ x - 1/x 5 दे रखा है और पूछ क्या लिया भी x की पावर 6 - 1। देखिए कुछ भी पूछे, चाहे वो x की पावर 6 - 1/x² पूछे, कुछ भी पूछे, आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि स्क्वायर में पॉजिटिव रिजल्ट आता है हमेशा, यानी ये क्यूब का स्क्वायर है कहीं ना कहीं। x⁶ क्या है, x³² और x³³ अगर आप करोगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आना चाहिए। x³ x⁶ + 1 हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो क्या फाइंड कर सकते हैं बड़े आसानी से, वो हम फाइंड कर सकते हैं x³ + 1/x⁶, ये हम कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, ये हम x³ - 1/x³ का स्क्वायर करेंगे तब भी ये रिजल्ट दे देगा, और अगर हमारे पास x³ + 1/x³ हो उसका स्क्वायर करेंगे तब भी ये रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट दोनों में सेम ही आएगा, रिजल्ट दोनों का स्क्वायर करने पर सेम ही मिलने वाला है, x³ + 1/x⁶। लेकिन रिजल्ट अब हमसे पूछ क्या लिया, हमसे पूछ लिया x³ - 1/x⁶, तो वो ध्यान रखिए वो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, वो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, यानी हमें x³ - 1/x³ भी चाहिए और x³ + 1/x³ भी चाहिए। ये बात हमने पिछले क्वेश्चन से समझ ली, पिछले क्वेश्चन से ये बात समझ ली, तो ये क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे अटेंड, बहुत ही इजीली हम इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। कैसे होगा, देखिए भाई किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, इस तरीके से कर लेते कि भाई थोड़ा तो पहले रंग बदल लेते हैं पेन का, कि भाई x - 1/x अगर 5 हमारे पास है तो x³ - 1/x³ तक लग तो हम लोग पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे, अभी 5 का तो क्यूब कर देंगे प्लस इसमें इसका 3 टाइम्स ऐड कर देंगे, यानी 3 टाइम्स ऑफ 5, और अगर 5 का क्यूब कर दिया तो भाई 125 आने वाला है, और 15 उसमें ऐड कर दिया तो भाई 125 और 15 यानी 140 हमारे पास आ जाएगा x³ - 1/x³। अब मुझे अगर x³ + 1/x³ पे पहुंचना है तो मुझे x+1/x चाहिए, और x+1/x कैसे मिलेगा भाई, रूट में 5 का स्क्वायर कर देना और प्लस में 4 कर देना, यानी 25 और 25 में 4 ऐड कर दूंगा तो मैं कितना मिलने वाला है, 29 मिलेगा। क्या मिलेगा हमारे पास, x+1/x, और अगर हमारे पास x+1/x मिल गया तो x³ + 1/x³ कोई भी पहुंचा देगा आपको, बच्चा बच्चा जानता है x³ + 1/x³ कैसे आएगा, √29 का क्यूब कर देंगे और इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस कर देंगे, तो भाई √29 का क्यूब करने का मतलब क्या हुआ, 29√29 और इसमें से 3 टाइम्स ऑफ √29 माइनस कर दिया, 29 में से 3 गया तो कितना बचेगा भाई, 26√29, यानी ये आंसर आ गया 26√29। अब एक बात समझ में आ जानी चाहिए आपको कि x³ भी मिल गया और x³ + वाला भी मिल गया, तो x⁻⁶ - 1/x⁶ तक भी आप पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई बोले तो x³ - 1/x³ मल्टीप्लाई बाई x³ + 1/x³, यानी अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है भाई, 140 × 26√29, यानी 140 को भी आप 26 से मल्टीप्लाई कर दो, √29 कर दो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है भाई, 3640√29, ये हमारा आ गया 36 40 √29, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे।
अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। एसएससी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि भाई साहब एक्स प्लस वन बाई एक्स इतना है और एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू बता दीजिए। इस तरीके से बिल्कुल साधारण रूप से क्वेश्चन प्री में आ चुके होंगे, प्री में पूछ लिए हैं, लेकिन मेंस में इनका आना थोड़ा सा असंभव बन जाता है, क्योंकि मेंस में प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर है वो भी बढ़ चुका है, वो भी बढ़ गया, पैटर्न भी बढ़ गया, नंबर भी बढ़ गए, तो थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा। यानी जो अभी हमने क्वेश्चन किया, यानी एक्स की पावर सिक्स माइनस वन बाई एक्स की पावर सिक्स पूछ लिया। अमूमन तौर पर हम एक्स के बार सिक्स प्लस वन अपन एक्स के बार सिक्स तक पहुंच सकते हैं आसानी से, लेकिन हमसे उल्टा पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार है। अब आपके सामने स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है, ये भी एक उसी क्वेश्चंस के रूप में आता है, यानी यहाँ पे भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है कि भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स आपको 17 दे दिया और पूछ लिया आपसे एक्स की बार। एक बात तो आप ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी यहाँ पे पावर दो का डिफरेंस रहे, यानी एक एक्स कॉमन लेने पर ये कहीं ना कहीं क्यूब जैसा दिखने लगेगा। कैसे दिखने लगेगा, मैं इससे अगर x कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास x कॉमन लेने के बाद ऊपर बचेगा एक्स क्यूब और नीचे बचेगा वन अपॉन एक्स क्यूब। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। भाई यहाँ आप कहोगे सर यहाँ तो x था ही नहीं, x कॉमन ऊपर तो था ही नहीं, आपने कॉमन ले लिया, तो भाई देखो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, क्या अब मैं ऊपर से x कॉमन ले सकता हूँ? ऊपर से मैंने x कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर क्या बचने वाला है, भाई यहाँ एक्स क्यूब बचेगा प्लस एक्स हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, वन बचेगा और नीचे एक्स क्यूब बन गया। सिमिलरली क्या मैं नीचे से भी अगर मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, क्या साफ साफ दिख रहा है, भाई यहां पर एक्स एक एक्स बचेगा माइनस का तीन और इसके पास एक्स नहीं है तो यानी प्लस वन बाई एक्स इस तरीके का दिखने लगेगा। एक्स से एक्स मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, मुझे रिजल्ट दिखने लग गया। अब आपको भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है, भाई एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब तो ऊपर पूछा है और नीचे पूछ लिया भाई हमसे एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस का थ्री, ये दो बातें पूछ रखी हैं। तो एक बात तो मुझे बेस तो मुझे क्लियर है कि भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स 17 है और 17 में से 3 गया तो कितना बचने वाला है, भाई 14 बचने वाला है, 14 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की बारी है, तो भाई एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब भी बड़ा ईजी है निकालना। अगर हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स दे रखा है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, भाई 17 का तो क्यूब कर देंगे, 17 का क्यूब कर देंगे और उसमें से उसका 3 टाइम्स माइनस करना है, यानी 3 टाइम्स ऑफ 17 हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो भाई 17 का क्यूब कर देना और 17 का क्यूब करके उसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास रिजल्ट भी आ जाएगा। दूसरा तरीका, भाई मैं 17 कॉमन ले लेता हूँ, मुझे 17 का क्यूब याद नहीं आ रहा तो मैं 17 कॉमन ले लेता हूँ तो 17 का स्क्वायर माइनस 3 बचेगा। अब 17 का स्क्वायर तो मुझे याद आ रहा है 289, 289 में से 3 गया तो कितना बचेगा 286, यानी 17 को 286 से गुना कर दो आपका रिजल्ट आ जाएगा। भाई 17 को 286 से गुना कर दो कितना आ जाएगा 2400, आपके पास आ जाएगा ये 2431 तो नहीं बनेगा, ये बन जाएगा आपका, देख लीजिएगा भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ही, क्योंकि 17 × 286 लिख देते हैं, कटी काट ही देंगे इनको, 2 से काट देते हैं और फायदा हो जाएगा। भाई 7 काट दिया और 2 से 1, 2 × 8 और 143, यानी 17 × 143 आ गया, बटे में 7 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया भाई 2431 / 7। इस तरीके से हमें आंसर्स को करना है। क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार से एसएससी हमसे पूछ सकती है, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस। प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कॉन्सेप्ट समझना है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनके लिए तैयार रहना है। लेकिन उन सब के लिए हम तैयार कब रह सकते हैं, तब रह सकते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आगे जो अलग वैरायटी ऑफ टाइप के क्वेश्चन है उनको सोल्व करना थोड़ा सा असंभव हो जाएगा हमारे लिए। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को यहीं पर ही समाप्त करना चाहता हूँ इस सेशन को, और अगले सेशन में कुछ और एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मेंस के लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करा सके मेंस के अंदर। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आप लोग खूब प्रयास करें, प्रयास करते रहें।